students, welcome back to our channel Dental Maestro. So today's topic is disclosing agents. ये आपने कॉलेज टाइम में स्टडी किया होगा कि डिस्क्लोजिंग एजेंट्स पेरियो का टॉपिक है ये. तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, छोटा सा डिस्क्रिप्शन तो शायद आपको बहुत अच्छे से बेटर तरीके से समझ पाए. इसमें शॉर्ट नोट बहुत आता है. पेरियो में हमारा जो कम्युनिटी एग्जाम होता है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, उसमें शॉर्ट नोट बहुत आता है. और अदरवाइज भी आपको वैसे पता होना चाहिए, क्लिनिक्स में हम इतना यूज़ नहीं करते लेकिन इससे हमें पता होना चाहिए, कहीं पर भी हमारी नॉलेज कम नहीं होनी चाहिए. तो व्हाट आर डिस्क्लोजिंग एजेंट्स? These are the solutions which are used for the identification of the plaque. जो हमारा bacterial plaque हो जाता है उसके identification के लिए हम use करते हैं. जो कि जो plaque हमें naked eye से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बहुत बार नहीं दिखता है हमें, तो उसके हम identification के लिए ये हम disclosing agent use करते हैं. तो basically we can say discloses the plaque. It permits patient to evaluate their performance at home. कि बहुत बार हम brushing अच्छे से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने brush किया है, लेकिन जब हम इसे इवेल्यूएशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी ब्रशिंग ठीक है या नहीं. बहुत बार क्या होता है कि जो रिसर्चर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं टूथब्रश और जो हम जो भी क्लीनिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिकेसी चेक करने के लिए. क्योंकि हम तो सोच रहे हैं ब्रश बहुत अच्छा है, अच्छे से हम इसको यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, फिर डिस्क्लोजिंग एजेंट से यूज़ किया तो पता चला वहाँ पर प्लाक रिमूवल हो ही नहीं रहा है. और इट कैन बी यूज एज एन एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल टूल टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्लाक कंट्रोल मेजर्स. तो हमने बहुत बार हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, पेशेंट कहता है कि नहीं हम दांत साफ करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए जब हम ये डिस्क्लोजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं और एकदम से जब उनके दांतों पे पूरा दिख जाता है कि इतना प्लाक है, तब वो मोटिवेट होते हैं नहीं हमें क्लीन करना चाहिए, हमारी ओरल कैविटी तो कितनी गंदी है. तो ये सारे इसके मैंने यूजेस बताए आपके. तो बेसिकली डिस्क्लोजिंग एजेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि एक तो इसकी जो कलर है, इंटेंसिटी ऑफ कलर है, शुड बी कंट्रास्ट विद द नॉर्मल कलर. ये नहीं कि जैसे जो हमारे गम्स का कलर है वैसे ही सेम है तो दिखेगा ही नहीं, अलग से इसका कंट्रास्ट होना चाहिए. ड्यूरेशन ऑफ इंटेंसिटी, इसकी जो कलर इंटेंसिटी है वो काफ़ी देर तक, काफ़ी नहीं मतलब थोड़ी देर तक रहनी चाहिए. ये नहीं कि हमने वाटर से एक बार रिंस किया और वो चला गया. और इसका जो टेस्ट है वो प्लेजेंट होना चाहिए, एकदम डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए. पेशेंट को कि मुंह में लगाया और उसको परेशानी होने लगी. और इट शुड नॉट इरिटेट द ओरल म्यूकोसा एंड इट शुड बी डिफ्यूज इन सच अ मैनर दैट इट कुड स्टे इन द बैक्टीरियल प्लाक एंड मोर ओवर इट शुड बी एस्ट्रिंजेंट एंड इट शुड हैव द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. तो हम इसमें कौन कौन से एजेंट्स यूज करते हैं? बेसिकली इसमें क्या होता है, डाई होती है जो कि बैक्टीरियल प्लाक को ना स्टेन कर देती है. तो कौन कौन से एजेंट्स हम इसके लिए यूज करते हैं? आयोडीन प्रिपरेशंस आती है जिसमें स्किनर्स आयोडीन सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड टिंचर आयोडीन है, मर्क्यूरो ब्रोमीन प्रिपरेशन है, विस्मार्क ब्राउन है, एरिथ्रोसिन डाई है, फास्ट ग्रीन है, फ्लोरोसिन है, टू टोन सॉल्यूशन आता है, एक फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जिसमें ब्लू नंबर 1 एंड रेड नंबर 3 एंड बेसिक फॉक्सिन. तो ये हमारे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो हम एज अ डिस्क्लोजिंग एजेंट यूज़ करते हैं. अब मैं इसका मेथड बताती हूँ, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. दो तरीके हैं, या तो हम कॉटन स्वैब में सॉल्यूशन लें और पूरे टीथ और गम्स पे अच्छे से इसको स्प्रेड कर दें और 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ दें. फिर उसके बाद हम चेक करते हैं जो भी प्लाक वाला जो भी सरफेस है जहाँ प्लाक है वो सारा कलर जो है वो चेंज हो जाता है. और वो कलर कोई भी हो सकता है, जनरली तो पिंक कलर आता है उसमें क्योंकि हम डाई अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो उसके कलर भी उसके अकॉर्डिंग्स होते हैं. और ये दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया और उसको मुंह में डाल के पेशेंट से रिंस करा दिया तो वो भी प्लाक को वहाँ पर स्टेन कर देगा. तो हमें पता चल जाएगा जहाँ जहाँ पर भी प्लाक एक्यूमुलेशन होगा इंटरडेंटल एरियाज, गम्स या फिर सर्वाइकल एरियाज में, तो वो सारे स्टेन हो जाएंगे. तो ये हमारा छोटा सा एक प्रोसीजर रहा डिस्क्लोजिंग एजेंट से प्लाक को पता करने का कि हम जो ब्रशिंग कर रहे हैं दैट इज प्रॉपर और नॉट, और या फिर अच्छे से जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, हमें यूज़ करने चाहिए या नहीं. तो अकॉर्डिंगली टू दैट वी कैन डिसाइड द थिंग्स. तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ पसंद आई होंगी, ये समझ में आई होंगी चीज़ें कि हाँ मैंने जो चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें आपने जो स्टडी की है उससे मैच कर रही है नहीं. तो यदि कोई भी क्वेरी है या कोई भी कमेंट तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में ज़रूर कमेंट ड्रॉप करिए और बने रहिए ऐसी वीडियोस में, देखते रहिए. कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं डिस्कस करना तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय, टेक केयर.